विधानसभा की 90 की 90 सीटों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त गुरुग्राम जिले में हूं, सोहना विधानसभा में हूं और सोहना विधानसभा की अनाज मंडी में मौजूद हूं। और यहां पर तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। MH1 का जो काफिला है उसके साथ एक एक लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, सरकार से लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी। अशोक जी, फिर सोहना अगर इस इलाके की बात कर लें, क्या मुख्य समस्याएं आती हैं जो आप सरकार से चाहते हैं निदान हो, चुनाव क्योंकि आ गया? समस्या तो जी काफ़ी है जी, और समस्या का काफ़ी हल भी हुआ है, सरकार ने करा है, काम किया है, पर ये जो टिकट का वितरण किया है ये गलत किया है। हाँ जी। तो अभी तो कुछ दिन पहले मंत्री बनाए थे संजय सिंह, और अब बिल्कुल कुछ भी नहीं, टिकट नहीं दी। चलो वो अलग विषय, में एक जनरल बात कर लूँगी, इस इलाके के मुख्य क्या पानी वानी भरना या बिजली वानी कैसा, किस तरीके? लगभग संतोष नक है, काफ़ी गुड़गांव से नज़दीक है, वो तो है, थोड़ी बहुत समस्या तो रहती है, लेकिन विधायक जी ने बहुत काम किया। यहाँ पर रोड टूटा हुआ था, सब इस रोड में गड्ढे थे, मेरे को कई बार चोट लगी, विधायक जी ने ठीक कराया, बहुत बढ़िया काम किया था। और इनका टिकट कटना अप्रत्याशित है, टिकट कट गया, अप्रत्याशित है, फिर भी दुख तो हमारे दिलों में है। हमने अभी राव इंद्रजीत सिंह को भारी बहुमतों से जिताया है, तो हमें दुख है, जिस पार्टी को हम समर्थन कर रहे हैं वो पार्टी हमारे व्यक्तियों को टिकट काट रही है, तो दुख तो है और दुख को इजहार भी करना चाहिए। सरकार के कामों पर आ जाते हैं, सरकार कह रही है 10 सालों में बहुत काम हुए, बिना पर्ची खर्ची काम हुए, पोर्टल हम लेकर आए, पोर्टलों का कितना फ़ायदा आम जनता को पहुंचा है? पोर्टल को भी काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है लोगों को, ऐसी बात नहीं है, पोर्टल से अच्छी सुविधा घर बैठे लोगों को वो मिली है, और अच्छे काम हुए सरकार ने, बीजेपी ने 10 साल में काफ़ी अच्छे, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगाई है। और हमारे सोहना से संजय सिंह विधायक थे, मंत्री, उन्होंने अच्छा विकास किया है। सोहना में पानी की बहुत भारी व्यवस्था किल्लत थी, उसको भी ठीक किया है, अब हमारे सोहना में एक बूंद भी पानी नहीं रहता। गांवों में भी अच्छे विकास, रोड बनाए हैं, काफ़ी काम किया है, और सरकार ने हमारे विधानसभा में तो अच्छे काम हुए। बाकी पूरा हरियाणा किस तरह देखे? हरियाणा के तो और जहाँ के ओवरऑल देखे तो फिर भी बीजेपी ने अच्छे काम किया। अच्छा, एक ऐसा, आपका क्या नाम है? ताराचंद जी, अगर हम बात करें कि गुड़गांव सटा हुआ है, पूरा बिल्डिंगें बन गई हैं बड़ी बड़ी, आम लोगों को उतना फायदा मिला है जो पूरा शहरीकरण हुआ कि नहीं? हाँ मिला, फायदा तो मिला, फायदा तो हुआ, रोजगार मिले हैं लोगों को। काम कहती है कि नौकरियां दे दी बहुत ज़्यादा, मिली हैं आपके गाँव? हाँ ना, मिली हैं काफ़ी नौकरी, मिली है विकास जी। आप किस तरह देख रहे हैं सरकार के कार्यकाल को, और अभी आगे चुनावों में सरकारों से क्या मांग करते हैं? सरकार के कार्यकाल ठीक रहे हैं जी, आगे मांग करते हैं जो पहले प्रत्याशी थे उनको दोबारा से समस्याओं के हिसाब से देखिए, प्रत्याशियों की बात उन्होंने सबने बता दी, काम लोगों की तरह बात करके देखें तो क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, और क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो निरंतर चलती है। नहीं वो तो ठीक है आपकी, पर जो अभी सभी पब्लिक का जो विधानसभा के इलेक्शन का दौर चल रहा है उसमें सबसे मोटा दुख तो टिकटों का ही है। फिलहाल जो अभी अपने श्री संजय सिंह मंत्री जी को जो टिकट नहीं मिली है, उनके पिताजी 40 साल से इस बीजेपी से पार्टी में रहे हैं, अभी भी संजय जी मंत्री जी वो भी रहे हैं, और उनके साथ इनका अभी ऐसा लास्ट में आके उन्होंने किया है, अच्छा नहीं किया पार्टी ने, और फिर कुछ समाज को भी बहुत ज़्यादा दुख है, और हो सकता है कि इसका अब दुख बीजेपी सरकार को इलेक्शन में या वोटों में झेलना पड़ेगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित वर्मा है। क्या क्या मुख्य समस्याएं सामने आ रही हैं? चुनाव तो आएंगे, नेता आएंगे जाएंगे, क्या लगता है चीज़ें जो होनी चाहिए आम आदमी के लिए? सर, सबसे पहले तो नेता वही होता है जो अपना यहाँ का होता है, और वही समस्या समझता है। अब बाहर के इतिहास है अपना सोना का, सब बाहर के आते हैं, 5 साल बढ़ते हैं, झोला भर के चले जाते हैं। यहाँ पर ना रोडों का हिसाब किताब, ना बच्चों की शिक्षा के लिए हिसाब, ना बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए, और आप बताऊँ लड़कियों की सुरक्षा के लिए। आप ये देखो ना, फिर आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है, आप बताओ सड़कों पर पानी भरा पड़ा, ये क्या विकास है? ये विकास है भाई साहब? ये तो गुड़गांव चले जाना, आप 100 करोड़ का फ्लैट है गुड़गांव के अंदर, पानी की समस्या वहाँ, मैं परसों गाड़ी लेके गया था, मेरी गाड़ी की डिग्गी तक पानी था। वो गुड़गांव है जो पूरे हमारे इंडिया के अंदर शायद चर्चित होगा, हमारा गुड़गांव। ये पानी दिखाने, एक बार आप स्क्रीन पर पानी दिखाओ, आप कितना पानी है जी। ये पानी की समस्या 40 साल से फारा चौक पे थी, उसकी निकासी कराई गई, पूरा फारा चौक बनवाया गया, 2 करोड़ रुपए उसके लिए पास करा के लाए गए। और जो समस्या है इस शहर में वो है जी,
एक तो महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं है, एक स्टेडियम की मांग करी गई थी, वो स्टेडियम अब तक पास नहीं हुआ है, उसमें कुछ खेल कूद में कहीं तो आगे बढ़ेगा जी इंसान, मौका ही नहीं मिलता, ये समस्या है। जानवर को हर गाँव में सुबह सुबह आप गाँव में ना सुबह सुबह जाओ, हर गाँव में बच्चा दौड़ लगा रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा है तो बताओ भाई, अपना यंग है बच्चों के लिए, यंग के लिए तो कुछ है ही नहीं। जल भराव की समस्या इस अस्पताल में है, जैसे कि फुहारे चौक की जो बात की है, पिछले एक साल से प्रोसेस चल रहा है, पिछली दिवाली पे वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था फुहारे चौक का, बट अभी तक वो कम्प्लीट नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अभी जो लास्ट बारिश हुई है, एक उसमें रिक्शा था, उसमें कुछ लेडीज और जेंट्स बैठ के जा रहे थे, रिक्शा ही पलट गया पूरा रास्ते में, उसमें प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, सबसे हो रही है प्रॉब्लम जल भराव, क्योंकि जब कॉलोनी बनती है सीवरेज डलता है, बाद में पानी फिर खड़ा हो जाता है। बहुत बढ़िया बात कर दी आपने, कॉलोनी काटने वाले कौन है बताओ भाई, बताओ है भाई, तुम ही बता दो कौन है। देखो कच्ची कॉलोनी काट दी, दुनिया बसा दी, गरीब आदमी तो ले लिया, उसके लिए सुविधा कौन करेगा, ना सरकार सुन रही, वो तो जो बेचने वाले बेच गए है ना जी, 5 साल तो लेके ले टिकट, फिर अगली बार काट दी, फिर आ गए जी। लोगों को सब कुछ पता होता है, कितने फुट का रोड मिल रहा मुझे, मेरे प्लॉट लिया जब मैंने तो जब क्यों नहीं आवाज उठाते, मैं 100 गज का प्लॉट लिया जी भाई साहब मैंने, उसमें आपको नक्शे में ये दिखाया जाएगा 13 फुट के रोड पे दे रहे हैं, आप नपवाओ उस 13 फुट के रोड को, जब क्यों छोड़ देते हो जी आप, अपना छज्जा जाम हो जाते हैं, सीवर ये सब हो जाता है, उसकी सफाई होनी चाहिए ना। एक बात बताओ, कॉमन आदमी के हिसाब से मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं आपको रैंडमली वीडियो निकाल के दे दूंगा, बाजार से जब बारिश आती है ना, आदमी कूड़े की बाल्टी लेता है ऐसे खला देता है, क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती उस कूड़े को, जब कूड़े की गाड़ी आती है उसमें फेंके, हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता आदमी, हर चीज सरकार कर दे, प्रशासन कर दे, और जो सरकार में मंत्री है वो कर दे जी। हमारे शहर में भी एक नगर निगम की गाड़ी आई है जो कि ट्रक है सफाई करने के लिए रोडों का, आप मुझे बता दो कि उसमें कितने दिन वो आपने देखा है रोड के ऊपर या नहीं देखा है, कल रात को देखा है? हाँ बाईपास पे चल रहा था भाई साहब, रोज चलती है वो तो गाड़ी, ये क्या है, नेता प्रतिपक्ष है, अब इन लोगों को तो बहुत तगड़ी परेशानी है, समझ रहे हो भाई, बेसिक समस्या बता रहा हूँ मैं, एक कोबर समस्या ये थी, एक एक मिनट कि पहले हम भी तो सोना पहले हर बंदे का जो है अपना अपना विचार रख सकते हैं, क्योंकि चुनाव है, नेता आएंगे जाएंगे, विचार अपने रखने हैं, हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं, बस ऊपर ऊपर जाती है हरियाणा रोड में बताइए, और खाली नहीं जाते हैं, कहीं ना धापलोज गांव में रोकते, ना भौरसी गांव में रोकते, और कहीं गुड़गांव में रोकते हैं, वहां पर राजीव चौक पर यहां से चले, आम आदमी खड़े रहते हैं, प्राइवेट बस वाले, यंगस्टर की बातें हो रही हैं, काफी यंगस्टर मेरे साथ खड़े हैं, 75% नौकरी में आरक्षण की बात हुई थी, हालांकि हाईकोर्ट से स्टे हो गया, तमाम चीजें होगी, लोकल यहाँ इतनी इंडस्ट्री है, लोकल्स लड़कों को कितना काम यहाँ पे प्राइवेट में मिलता है। देखो जी, मैं बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको एक चीज बताता हूँ, अगर किसी बंदे में स्किल होगा, कोई बंदा करना चाहेगा, अब कोई सोचे कि मैं 10th करके मारुति मैनेजर लग जाऊं तो वो तो लग ना पाएगा, अगर मेरे अंदर स्किल है, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं कजारिया कंपनी में लग रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर के पद पे हूँ, मेरे अंदर कुछ स्किल है, जब तो कंपनी ने मेरे को रख रखा है, अब तुम मथुरा से तो बनवा लो वकालत की डिग्री, आता ना तुम अंगूठा लगाना भी, तो सरकार तो इसमें कुछ कर ना सकती, ना नेता कुछ कर सकता इसमें। काबिलियत 20,000 की नौकरी करने की है भाई साहब, तलाश करेगा 42,000 रुपए की, 30-35 पे वो रुकेगा नहीं, तो बेरोजगार ही रहेगा जी। गुड़गांव के अंदर ऐसे ऐसे रेडी वाले हैं, 2,000 रुपए दिन के छाप के ले जा कर, कमाने के आदमी में हुनर होना चाहिए, अगर गुड़गांव में रह के भी तुम भूखे मर रहे हो ना, फिर तुम में कमी है, शहर में और सरकार में नहीं है जी। तमाम और भी कई लोग हैं, हाँ जी भाई साहब, तुम्हारा क्या नाम है? आर्य प्रताप सिंह, क्या करते हो? छात्र नेता हूँ जी मैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी। अच्छा, आप छात्र नेता, बताइए मुझे कि सरकार जिस तरह कह रही है कि हर गांव में हमने नौकरी दी है सरकारी, है ग्रुप डी हो ग्रुप सी हो, आपके गांव में नौकरियां लगी हैं? क्योंकि हम कुछ गाँव गए बोलते लगी हैं जी, ग्रुप डी लगी हैं, सिर्फ कोई पीएचडी था उसे मिल गई है। बिल्कुल नौकरियां तो बिल्कुल लगी हैं, वो ये एक सिक्के के दो पहलू, पक्ष विपक्ष विरोध हर जगह होता है, सरकार का जो सिटिंग एमएलए है या जो सिटिंग गवर्नमेंट चल रही है, विरोध उस चीज का हर चीज का होता है, बाकी नौकरियां मिली हैं, और रही मंत्री जी के कार्यकाल की बात, काम हुए हैं, जो पानी की निकासी वगैरह नहीं, तो ये हॉस्पिटल रोड है, इस पे पानी भरा रहता था, 3 दिन की बारिश है ना, आपकी गाड़ियां आ नहीं पाती। बिल्कुल बिल्कुल, और भी कई लोग हैं, उनसे बातचीत करना शुरू करें। हाँ जी भाई साहब, आप आज की बात नहीं, क्या बता रहे हो आप? अभी भाई साहब ने बात करी थी कि फुहारा चौक के बारे में, तो आज से अगर पिछले 5-7 साल पहले की बात करें तो वैगनार गाड़ी होती मारुति की जी, वो ठाकरवाड़े से बहती हुई फुहारा चौक पे लग गई थी जी, और आज की रेट में पानी 1 घंटे के अंदर निकासी हो जाती इजीली वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो काम हुआ है, ये काम हुआ है, और क्या होना चाहिए था। हाँ समय, देखो हर अच्छे काम के लिए समय लगता है जी, समय लगता है जी। कहा कि पानी भर रहा है कुछ हो रहा है, मैं कह रहा हूँ पिछले 1 साल से चल रहा है, 1 साल का टाइम पीरियड बहुत हो जाता है, एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट जो होता है ना वो 1 साल में कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है,
किसने विरोध कराया यार? हजार विरोध करता बार बार उसका उसका वो पहले पहले वो सारा काम फाइनल हो गया था, फिर हमारे शहर के कुछ महानुभाव अब के भाई बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष वाली बात, उन्होंने क्या करा कि इसकी हाइट ज्यादा है उसे तुड़वा दिया, दूसरी बार वो पास हुआ इसकी हाइट कम है वो तीसरी बार फाइनल हो रहा है अब वो, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, अब भाई कुछ मलाई खानी है तो भाई दूध जमने का इंतजार भी करो। दूसरा मुद्दा ले लेते हैं, आवारा पशुओं का आज तक सॉल्व नहीं है, बिजली कहा था 24 घंटे आएगी बिजली, आवारा पशुओं आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, मंडी के कॉर्नर पे कूड़े का ढेर देख लो, आज भी ऐसा है, सिर्फ इसकी एक चार दीवारी हुई है कि कूड़ा बारिश के टाइम में बाहर ना आए बस, ठीक है आप देख सकते हो, अपने कैमरामैन को बोल दो जाके देख लेगा और दिखा भी देगा आमजन को ये चीजें। कूड़े की समस्या जो है इनका कहना कि क्योंकि जो एक बेसिक समस्या है वो इस इलाके में वही समस्याएं नजर आई, कुछ काम लोग कह रहे हैं कि हुए हैं कुछ काम होना बाकी हैं, और चुनावी माहौल है तो नेता आएंगे, और इनका कहना है नेता आएंगे तो हम ये बात सामने रखेंगे, अब कितनी समस्याएं हल होती हैं, हालांकि जनता किसके सिर जीत का सहरा बांधती है वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो समस्याएं हैं जो सोना के लोग चाहते हैं वो हमने आपको यहां पर दिखाया। सोना की अनाज मंडी से कैमरा में राजेश जोशी और हमारे साथियों के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़।